वाणी खेड़ा की टीम आज हाईकमान से, श्रीमती सोनिया गांधी से, खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से और भाई हमारे अध्यक्ष सुदेवान जी से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, दीपेंद्र हुड्डा जी से और हमारे प्रभारी जी दीपक बावरिया जी से इस बात की मांग करते हैं कि भाई बवाणी खेड़ा में बवाणी खेड़ा का प्रत्याशी दो और वो प्रत्याशी भाई रामकिशन फौजी हो। हाथ उठा के सारे भाई इस बात का एक समर्थन करो कि भाई हम रामकिशन फौजी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और बाहर के अगर कोई प्रत्याशी आता है, अगर कोई प्रत्याशी बाहर से आता है तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारी सारी सीमाएं टूट जाएंगी और उस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। रही बात दूसरी, आज हमें पूर्ण विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, हमारे प्रभारी साहब बावरिया जी, ये सब आप लोगों की जो दिल से आवाज निकल रही है उसको सुनेंगे और आपके प्रत्याशी, आपके जो उम्मीदवार हैं, आपका जो कैंडिडेट है रामकिशन फौजी, उसी को प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ हम यहाँ आए हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भाई जिस मनोकामना से हम यहाँ पहुंचे हैं हाईकमान के पास, हमारी पूरी हो। और एक हमने छोटा सा प्रदर्शन, किस टाइप का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमने करना है, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर तक सभी आदमी पैदल चलेंगे भाई, और जो भी सिस्टम आपको होगा आगे की बातें आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल तो एक ही डिमांड है कि भाई हमारा प्रत्याशी बाहर का ना हो और हमारा प्रत्याशी